सैमसंग 32 GB, तो बहुत ही अच्छी मेमोरी कार्ड है। तो दोस्तों मैंने ख़रीदा है कि सैमसंग का मेमोरी कार्ड जो है 32 GB स्टोरेज में, मुझे ये कितना पड़ा, कहाँ से मैंने ख़रीदा, इसके बारे में वीडियो में बात करूँगा। तो अनबॉक्सिंग भी करूँगा, रिव्यू भी करूँगा, कितना अच्छा है, कितना स्टोरेज मुझे अवेलेबल होता है फ़ोन में, उसके बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल में नए तो भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को बाजू में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो मेमोरी कार्ड है वो इस तरह का कुछ दिखता है, आप शायद डिस्प्ले में ज़रूर दिख सकेंगे। वो मुझे इस पैकेट में आया था फ्लिपकार्ट से, मैंने इसको ख़रीदा है, परचेस किया है। मुझे ये आने में लगा करीब 3 से 4 दिन तक लग गया मेरे पास आने के लिए, तो लगभग आ ही गया है। तो हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके फ्रंट में जो जो लिखा है, सैमसंग का ऊपर लोगो है और यहाँ पर जो बारकोड है कहीं के, यहाँ पर सैमसंग का छोटा सा 32 GB एनवो प्लस का एक मेमोरी कार्ड है। साइड में बड़ा बड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है, इसको जब काटेंगे तो पता चलेगा। नीचे लिखा है 32 GB एनवो प्लस, और पीछे हम देखें तो यहाँ पर जो जो स्पेसिफिकेशन आपको मिलता है, वाटर प्रूफ है, मैग्नेट प्रूफ है, टेम्परेचर प्रूफ है, एक्सरे प्रूफ है, बहुत ही अच्छी बात है। और आप बहुत सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी इसमें, आपको जो है 10 ईयर का एक वारंटी मिल जाता है। सैमसंग का भरोसा जो है 10 ईयर तक आपको जो सैमसंग का भरोसा मिल जाता है इसके साथ ही। दोस्तों पैकेट में पीछे और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, सैमसंग का जो मोबाइल है, कैमरा, जो भी कुछ है। तो चलिए दोस्तों इसको काटते और अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं, देखते हैं कितना स्टोरेज अवेलेबल होता है, कितना अच्छा क्वालिटी का हमको मिलता है। दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा ज़रूर, क्योंकि जो एक पैकेट में आता था पार्सल, मैंने पैकेट खोला उसके बाद कुछ इस तरह का है, मैंने काट डाला इसको। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत लोग गलती करते हैं कि वो लोग यहाँ से काट देते हैं और इसको निकाल लेते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको जो आपको कटआउट वाला ऑप्शन मिलता है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ही आपको कट लगाना है इस तरीके से, और एक पॉकेट बन जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको जो प्लास्टिक यहाँ पर दिख रहा है ना, उसको आराम से निकाल लेना है। यही एक सही तरीका है इसको निकालने का, आप लोग बहुत गलती करते हैं। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं हम और देखते हैं कैसा है चिप, मेमोरी कार्ड कैसा हमें मिलता है। तो ये देखते हैं हमारा मेमोरी कार्ड, ये रहा आप देख सकते हैं, और ये इसके साथ एक अडाप्टर आया है, और ये रहा हमारा मेन कंटेंट। तो इसको हम फोन में लगाएंगे और बाकी सबको साइड में रख देते हैं। तो फोन बूट हो गया, बूट हमारा हो गया, इसको ओपन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें जो स्टोरेज देखने को मिली है वो है 32 GB पॉइंट, आप देख सकते हैं 32.03 GB का यहाँ पर हमें स्टोरेज मिला है। तो बहुत ही अच्छा स्टोरेज में मिला है। तो दोस्तों तो मैं अब SD कार्ड में जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 32 GB अवेलेबल है। यहाँ पर मैं अपना जो गाना है 100 के ऊपर वो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। पेस्ट में आप देख सकते हैं बहुत ही स्पीड बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हैं शायद 30 MB के ऊपर या फिर 48 MB का स्पीड दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी स्पीड है मेमोरी की। तो मैंने 100 के ऊपर भी गाना यहाँ पर डाला है, तो देख सकते हैं कंप्लीट आ गया सिर्फ कहीं कुछ ही सेकंड में। मैंने 100 से भी ऊपर गाना डाला, तो स्पीड बहुत ही अच्छी है इस मेमोरी के। और आप देख सकते हैं सैमसंग का भरोसा मिल जाता है, बहुत ही अच्छी। आप जो स्टोरेज मैंने अवेलेबल हुआ है दिखा देता हूँ मैं आपको, जो स्टोरेज यहाँ पर दिखा रहा है 1% कम्प्लीट हुआ है, 422 MB का स्टोरेज सिम कंप्लीट हुआ है। मैंने 100 से ऊपर गन डाउन पर रखा है, सिर्फ 1 से 10 या 20 सेकंड के अंदर अंदर ये ट्रांसफर हो गया। तो मेमोरी का स्पीड बहुत ही अच्छी है, इस प्राइस रेंज में आपको बहुत ही अच्छी मेमोरी कार्ड मिल जाता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो में मैंने यही तक था मेमोरी का जो अनबॉक्स मैंने रिव्यू कर दिया, मेमोरी कार्ड बहुत ही अच्छी है सैमसंग का, उसके साथ भरोसा मिल जाए। तो दोस्तों आपको अगर मेमोरी कार्ड अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको खरीदना, मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसका दे दूंगा। फ्लिपकार्ट से मैंने इसको ख़रीदा है, उसका जो प्राइस मुझे पड़ा है आप देख सकते हैं 429 रुपीज़। दोस्तों इस प्रोडक्ट का लिंक के साथ साथ हमारे सोशल मीडिया के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके हमें फॉलो जरूर कर लेना इंस्टाग्राम ट्विटर पे। हम आशा करते हैं ऐसी ऐसी वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। तो आपका जो नोटिफिकेशन चाहिए तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बाद में जो बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको मिले इस तरीके का वीडियो सबसे पहले। तो चलते फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।